अलीगढ़ उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक जिला है। अलीगढ़ जिला अपने विश्व प्रसिद्ध ताले उद्योग और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक जिला सन 1803 की अलीगढ़ की प्रसिद्ध लड़ाई के लिए भी जाना जाता है, जिसमें मराठाओं और अंग्रेजों के बीच अधिग्रहण को लेकर युद्ध हुआ था। अलीगढ़ का किला आज भी चीख चीख कर इस ऐतिहासिक लड़ाई की गवाही देता चला आ रहा है। अलीगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के विकसित जिलों में से एक है। अलीगढ़ शहर उत्तर प्रदेश का 9वां और भारत का 55वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। अलीगढ़ जिला आज भी अपने अंदर कई सारे रहस्यों को छुपाए बैठा हुआ है। अलीगढ़ जिले की स्थापना कब और किसने की, इस पर आज भी कई सारे इतिहासकारों का आपसी मतभेद जारी है। परंतु 18वीं शताब्दी में अलीगढ़ जिले को कोल या फिर कोयल के नाम से जाना जाता था। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे, जिनका नाम राजा कौशिक कौशल था। उन्होंने कई वर्षों तक इस क्षेत्र पर राज किया। उनके शासनकाल में इस क्षेत्र को कौसाम्बी के नाम से जाना जाता था। कुछ वर्षों के बाद कोल नाम के खूंखार राक्षस ने राजा कौशिक को युद्ध में हरा कर इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इस क्षेत्र का नाम कौसाम्बी से कोल में स्थानांतरित कर दिया। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस खूंखार राक्षस का वध भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम के हाथों हुआ था। आगे चलकर बलराम ने इस क्षेत्र को पांडवों को भेंट में दे दिया था। पांडवों ने काफी समय तक इस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाकर इस क्षेत्र पर राज किया। मध्यकालीन युग में सन 1717 से 1757 के बीच इस क्षेत्र पर राजा साबित खान का राज हुआ करता था। तब इस क्षेत्र को साबितगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद सन 1757 के बाद इस क्षेत्र पर राजा सूरजमल का शासन हुआ करता था। तब इस क्षेत्र को रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। परंतु मुगल काल के दौरान इस क्षेत्र को अलीगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। अलीगढ़ जिला कई सारे पड़ोसी जिलों से भी घिरा हुआ है। अलीगढ़ के उत्तर में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिला, पूर्व में कासगंज और हाथरस जिला तथा पश्चिम में मथुरा और हरियाणा का पलवल जिला स्थित है। लगभग 3738 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए अलीगढ़ जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 36 लाख से ऊपर थी। अलीगढ़ जिले की 18.78% आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि 80.22% आबादी गांव में रहकर अपना जीवन यापन करती है। धार्मिक दृष्टिकोण से अलीगढ़ जिले में 69.5% हिंदू, 19.95% मुसलमान, 0.21% ईसाई और 0.4% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। अलीगढ़ जिले में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 837 लड़कियां जन्म लेती हैं। जिले की साक्षरता दर 66.83% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 77.69% और महिला साक्षरता दर 55.68% है। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी है। ये शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से 156 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 381 किलोमीटर दूर स्थित है। अलीगढ़ जिला अपने तालों के कारण भी पूरे भारत में जाना जाता है। इसी वजह से जिले को ताला नगरी भी कहते हैं। करीब 130 साल पहले जॉनसन सैंड कंपनी ने अलीगढ़ में तालों का निर्माण शुरू किया और देश के हर हिस्से में यहाँ के तालों की एक अलग ही धमक है। देश के लगभग 75% ताले अलीगढ़ में ही बनते हैं। अलीगढ़ के ताले अपनी अलग डिजाइन के कारण भी प्रसिद्ध हैं। अलीगढ़ में लगभग 5000 कंपनियां तालों का निर्माण करती हैं, जिनमें 2 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस क्षेत्र में 5000 कंपनियां हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत उदाहरण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में अलीगढ़ जिले से जुड़ी कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आपको हैरान करके रख देंगी। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के मुख्य रेलवे स्टेशनों में से एक है। रेलवे स्टेशन एक क्लास श्रेणी का रेलवे स्टेशन है।
अलीगढ़ जंक्शन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या 8 है। ये रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, कानपुर दिल्ली लाइन और अलीगढ़ दिल्ली लाइन पर स्थित है। अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन अपने रेल मार्ग के जरिए दिल्ली, बरेली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता जैसे बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ जिला अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी अलीगढ़ जिले की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना अलीगढ़ जिले का भ्रमण अधूरा है। नंबर 1, डोर किला। ये ऐतिहासिक किला शहर के सिटी सेंटर में स्थित है। आज के समय में ये किला किसी खंडर से तो कम नहीं है, परंतु अपने अंदर ये किला कई सारे रहस्यों को छुपाए बैठा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को डोर जनजाति के द्वारा बसाया गया था और किले का नाम राजा बुद्ध सेन डोर के नाम पर रखा गया था। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि मध्यकालीन युग के दौरान यह किला भारत का सबसे मजबूत किलों में से एक हुआ करता था, परंतु आज वर्तमान समय में इस ऐतिहासिक किले की हालत को देखकर तरस आता है। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह किला एक उचित पर्यटक स्थल है। नंबर 2, मौलाना आजाद लाइब्रेरी। मौलाना आजाद लाइब्रेरी किसी भी अन्य लाइब्रेरी से अलग है। ये लाइब्रेरी भारत की सबसे बड़ी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। यहाँ पुस्तकों का संग्रहालय न केवल छात्रों की जरूरत को पूरा करता है बल्कि भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक नज़र भी डालता है। देश का सबसे बड़ा पुस्तकालय होने के अलावा मौलाना आजाद लाइब्रेरी देश की सबसे सुंदर लाइब्रेरी भी मानी जाती है। आधिकारिक तौर पर यह लाइब्रेरी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुख्य पुस्तकालय है। इतिहास की बेहतर समझ के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। नंबर 3, जामा मस्जिद। इस ऐतिहासिक मस्जिद को राजा साबित खान द्वारा सन 1724 में बनवाया गया था। जामा मस्जिद अलीगढ़ शहर की सबसे पुरानी और भव्य मस्जिदों में से एक है। इतिहासकारों का मानना है कि इस मस्जिद को बनने में लगभग 14 वर्ष का समय लग गया था। जामा मस्जिद बलाई किले के शिखर पर स्थित है तथा ये स्थान शहर का सबसे ऊंचा स्थान है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये ऐतिहासिक मस्जिद शहर के सभी स्थानों से देखी जा सकती है। नंबर 4, शेखा झील। शेखा झील अलीगढ़ जिले के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। ये सुंदर झील अलीगढ़ शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। अलीगढ़ के किसानों के लिए शेखा झील सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों की कई सारी प्रजातियां यहाँ पर आकर कुछ दिनों तक विश्राम करती हैं। कई सारे प्राकृतिक प्रेमी मनुष्य प्रकृति को करीब से देखने के लिए अपने दिन का कुछ समय यहाँ पर व्यतीत करने आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएंगे।